हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर टूटा ऑस्ट्रेलिया का घमंड। पर्थ टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो पहला वाला तो हम जीत गए हैं, मेरे ख्याल से 295 से हम जीते हैं। तो काफी अमेजिंग था। तो चलो मजे लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया वालों, सूजी है। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। मिशन पर्थ टेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ गांव का हमने गुड़गांव बना दिया है। शास्त्रों में उसे ही डोमिनेशन कहा गया है। बात तो सही है। 3 दिनों में ही हमने ऑस्ट्रेलिया की हालत बीमारी में खाई जाने वाली खिचड़ी से ज्यादा पतली कर दी थी। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया वाले वो मेमना बन गए थे जिसके सामने शेर खड़ा है और उसको पता है कि उसका शिकार होने वाला है। बस कैसे होगा यही देखना बाकी था। थोड़ी बहुत फाइट बैक करने की कोशिश करी ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन डीएसपी सिराज ने पहले ही सेशन में जो 2 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले थे, कायदे से तो मामला वहीं पर। क्या हो गया था राहुल जी? खत्म। एक काम करते, शुरू से बताते। बुमराह ने आज दिन की जो पहली बॉल फेंकी है स्टीव स्मिथ के खिलाफ, अपील उसमें ही हो गई थी। यहीं से पता चल गया था कि ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए दिन अच्छा नहीं जाने वाला। लेकिन इसका प्रैक्टिकल देखने को मिला थोड़ी देर बाद, जब डीएसपी सिराज, जिनका ट्रांसफर हो गया है बेंगलुरु से गुजरात, उन्होंने उस्मान ख्वाजा को एक शानदार बॉल फेंक कर ऋषभ पंत के हाथों कैच करवा दिया। अब देखो, सिराज बिके हैं करीब 12 करोड़ रुपए में, पंत बिके हैं 27 करोड़ रुपए में, यानी कुल मिलाकर उस्मान ख्वाजा 39 करोड़ रुपए के खिलाड़ियों को अपनी विकेट देकर चले गए। काफी प्रीमियम प्राइस पर गए विकेट, नहीं शायद इसी वजह से स्टीव स्मिथ भी सेम जोड़ी को अपनी विकेट देकर गए। डीएसपी सिराज इतनी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे कि उनको देखकर लग रहा था कि गुस्सा आरसीबी का है, लेकिन निकल ऑस्ट्रेलिया पे रहा है। वैसे आरसीबी वाले भी गजब है। एक ऐसा गेंदबाज जो उनके लिए हर तरह से कमिटेड था, उसके लिए न तो बोली लगाई उन्होंने और न ही आरटीएम का इस्तेमाल किया। लेकिन अच्छा है कि सिराज ने अगले ही दिन जवाब दे दिया और लंच तक आते आते ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 विकेट खो दिए थे और रन बने थे 104। इससे पहले कि हम लोग लंच के बाद की बात करें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेजूंगा जहां पर हमने अपने टीआरपी चैनल का लिंक दिया है। आज शाम को 8:30 रिलीज होगी, जिसको देखना हम सब के लिए जरूरी है। 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसको इतने साल बीत गए, लेकिन उस ऑपरेशन को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप सेन हमारे साथ आज पॉडकास्ट में होने वाले हैं और उस हमले के बारे में कुछ ऐसी बातें वो बताएंगे जो आज तक हमने कभी नहीं सुनी है। तो उस पॉडकास्ट को जरूर देखना, लेकिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में टीआरपी चैनल का लिंक दिया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लंच के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फाइट बैक करने का फैसला किया। ट्रेविस हेड, जिनकी वीडियो वायरल हुई थी जहां पर वो प्रैक्टिस के दौरान चौके छक्के लगा रहे थे और इंडियन क्रिकेट फैंस ये कह रहे थे कि जालिम, ये टेस्ट क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है या फिर T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। हेड ने तेजी से खेला भी, उनकी हाफ सेंचुरी लगभग 90 के स्ट्राइक रेट पर आई थी। मिशेल मार्श के साथ उन्होंने एक बढ़िया पार्टनरशिप भी लगा दी, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि ट्रेविस हेड के रन हमें चुभ नहीं रहे थे, बल्कि हम ये कह रहे थे कि और पेल ले भाई, और पेल ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद जब भाई पेलता रहा तो हमको भी फर्क पड़ने लगा बेन स्टोक्स। वैसे भी ट्रेविस हेड के साथ हमारा हिसाब किताब अच्छा तो रहा नहीं, इसलिए लगने लगा कि ये रन ना बनाए भाई तो ही अच्छा, इसको आउट करो जल्दी। और जब जब ऑस्ट्रेलिया के जुल्म मिटाने की जरूरत होती है तो कौन आता है? अपने जस्सी भाई, जिन्होंने वापस आते ही अपने स्पेल की पहली ओवर में विकेट ले लिया। और अगर आपने विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह का सेलिब्रेशन नहीं देखा हेड को आउट करने का, तो अभी जाकर देखो, मजा ना आए तो पैसे वापस वाला हिसाब। ऐसा लग रहा था कि कोहली और बुमराह 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का गुस्सा निकाल रहे थे। दूसरे सेशन में नीतीश कुमार रेड्डी को मिशेल मार्श का और वाशिंगटन सुंदर को स्टार का विकेट मिला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 4th दिन के 3rd सेशन तक ले जाने में कामयाब रही। चाय के समय तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर 227 रन। के फौरन बाद वाशिंगटन सुंदर ने एक और विकेट ले लिया। सिर्फ एक ही विकेट बाकी था टीम इंडिया का पर्थ में एक ऐतिहासिक टेस्ट जीत हासिल करने का। एलेक्स कैरी ने हार डालने की कोशिश जरूर करी, भारतीय गेंदबाजों को टरकाए रखा, कमेंटेटर भी बोर हो गए और स्टेडियम के बाहर रोहित शर्मा, जो कि पर्थ पहुंच चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस देखने लगे। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती आगे बताइए। हर्षित राणा की एक बेहतरीन गेंद एलेक्स कैरी का स्टंप छूकर निकल गई और इस तरह टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 238 रन पर ऑल आउट किया और 295 रन से यह टेस्ट मैच जीत लिया। जी हां, भारत की
लड़कों ने इस ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ये वो ग्राउंड है जहां पर एक भी टेस्ट मैच आज तक ऑस्ट्रेलिया नहीं हारी थी। 1-0 से हमें बढ़त मिल चुकी है। खुशी इतनी है कि इस जीत को हम और सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन बीसीसीआई वालों ने जबरदस्ती एक ऑक्शन गुजार रखा है। पर कोई नहीं, ऑक्शन की बात हम कल कर लेंगे, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर हमारा पूरा फोकस बना रहेगा और वीडियो आते रहेंगे। आप लोग बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऑस्ट्रेलिया वालों, और पैट कमिंस से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना क्यों बॉस जी है। कल सुबह मिलते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को जरूर लाइक करना। गुड बाय, जय हिंद। नहीं, उनके जो अगर ट्विटर अकाउंट या कोई उस टाइप से अकाउंट है सोशल मीडिया में, वहां जाके लिखना चाहिए सूजी है, सूजी है। वो सोचेंगे पता नहीं क्या है ये, एंड देन वो पता करेंगे कि भैया फेमस हो जाएगा वर्ड वहां पे भी, ऑस्ट्रेलिया में सूजी है। फिर वो भी वो जब बाकी दूसरे गेम ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से हराना इज अ ग्रेट अचीवमेंट, मजा आया और ये बार बार इनको हराना, ऐसा मजा इनको इंडियंस को देते रहना चाहिए। ईगो वैसे सच्ची में बोल रहे हैं कि इनका बहुत बड़ा है, वो सोचते हैं पता नहीं हम हमको अनबीटेबल हैं। और जिस तरह से खेलते हैं ना, उसमें भी गुस्सा आता है कि एक होता है कि तुम ढंग से खेलो, तमीज में रह के खेलो। यही लोग थे जो T20 के फाइनल के बाद जब इनको ट्रॉफी मिली थी, पैरों में रखी थी। हाँ, वो तो मुझे भूलता नहीं है कि जिस तरह वो से इंसल्ट की थी, बहुत इंसल्ट, अपने पैरों को रखा था ट्रॉफी के ऊपर, जिसके लिए हर एक इंडियन की उम्मीद थी कि हम जीतेंगे अपने देश के अंदर, उसको रोंगते हुए ये गए थे। बदला कभी पूरा नहीं हो सकता, फाइनल में ही हराना पड़ेगा। वो उसी वैसे ही वर्ल्ड कप में, वैसे ही इंडिया के अंदर जब हो रहा और जीतो तब बोलो बदला पूरा हुआ है। मैं तो सच्ची में वो तो सोच के ऑस्ट्रेलिया में जाके इनको, हाँ, या ऑस्ट्रेलिया में हो वही मैच हो रहा हो और वैसे ही उनको हरा के फिर आए, फिर तब बदला पूरा होगा। इनमें मुझे नहीं लगता कि बदला पूरा है, वो तो खून फिर भी खोला रहता है, वो नहीं भूलता। बदला तो तब जब उन्होंने जानबूझ के इंसल्ट की थी, जानबूझ के ना, इंडियंस को दिखाने के लिए कि तुमको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे थे इस वर्ल्ड कप के लिए, ये लो ये हमारे लिए, हमारे तो ये पैरों के नीचे की वो है, मतलब हमारे लिए इतना आसान था तुमको हराना। वो इनडायरेक्टली उस मैसेजेस उस टाइप से भेज रहे थे। यहाँ पे अच्छा दूसरे टेस्ट मैच में देखते हैं क्या होता है। पर अच्छा हुआ इसमें भी अब इनको रियलाइज होगा कि ये मत सोचो कि तुम बड़े 30 मार खान हो, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 होता मेरे ख्याल से, तो दूसरे में जीत गए तो फिर बस खत्म, काम खत्म। अब भी दूसरा जीत ले ताकि अच्छा ये ना हो कि अब दूसरे में वो जीते हैं और फिर वही लटके रहे हम लोग, वो नहीं होना चाहिए। इसमें भी ऐसे ही खेलते रहे और उनको बुरी तरह, जैसे इस केस में तो वो बनाता जा रहा था रन, उसको बनाने भी नहीं देने। अब इतना फर्क होगा क्योंकि आईपीएल में, क्योंकि ऑक्शंस हो गए हैं, तो कुछ कुछ लोग अभी परेशान भी होंगे एक्चुअली। जिनको कम पैसा मिला है दे विल बी अनहैप्पी। अभी मेरे ख्याल से ऑक्शन का फर्स्ट डे हुआ है, अभी और कुछ दिन चलेंगे और उसके सेटल होगी डस्ट, और फिर पता लगेगा। कुछ लोगों को लगेगा मेरे को तो बड़ा कम मिला है, मैं तो इतना अच्छा खेलता हूँ, मुझे तो कम मिला, वो कुछ भी नहीं खेलता, मुझे 12 करोड़ मिला, 30 मिल गया, 27 मिल गया, तो लोग परेशान होने वाले हैं। और ये उनका खेलने में सब निकलेगा, देखो कि जबकि आईपीएल टोटली डिफरेंट एंटिटी है, मगर यहाँ पे उनको गुस्सा आएगा कि जो तुमने किया है, अब उसका भी रिजल्ट यहाँ तक ह्यूमन बीइंग जो है कहाँ होता है भाई। कई जगहों पे दिखता है कि ये तो बड़ी नाइंसाफी है यार, ये अच्छा प्लेयर था, इसको इतना कम पे क्यों ले लिया, उसको कई जगह एक्सट्रीम कर दिया है विदाउट अंडरस्टैंडिंग, चल क्या रहा है, पागल थे, उनको पता ही नहीं है कि बिडिंग होती है क्या, कैसे दिमाग लगा के लेनी है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स और लिखना उनके वो अकाउंट्स में, सूजी है वो बोले पता नहीं क्या है, सूजी है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।